इस वीडियो में दिखाई गई सभी जानकारी और कहानियाँ इंटरनेट रिसर्च पर आधारित हैं। इन कहानियों की सत्यता की पुष्टि नहीं की जा सकती है। हमारा उद्देश्य मनोरंजन करना है, किसी भी अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं है। नमस्ते दर्शकों, और स्वागत है कहानियों की दुनिया में, जहां डर और विश्वास का अजीब सा मेल है। आज रात हम आपको भारत के भूतों के मिथ और लेजेंड्स के सफर पे ले चलेंगे। सदियों से इंडिया की धरती पे अनगिनत भूतों की कहानियां सुनाई देती रही हैं, जिनमें से कुछ तो आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। तो चलिए इन कहानियों को सुनते हैं। सबसे कॉमन भूतों में से एक है भूत। ये आमतौर पे किसी मरे हुए इंसान की सोल मानी जाती है, जो अधूरे कामों या अधूरी इच्छाओं की वजह से दुनिया में फंसी रहती है। भूतों को अक्सर व्हाइट साड़ी पहने हुए औरत या ढीले कपड़ों में घूमते हुए आदमी के रूप में दिखाया जाता है। कई जगहों पे ये माना जाता है कि भूत रात में रोते हैं या परेशान करने वाली आवाजें निकालते हैं। भूतों की तरह ही प्रेत भी मरी हुई सोल्स होती है, लेकिन इन्हें ज्यादा गुस्सैल और खतरनाक माना जाता है। कहते हैं कि प्रेत अक्सर एक्सीडेंट्स में मरने वालों या किसी ने जिनको मारा हो उनकी आत्माएं होती हैं। उनका मकसद होता है लोगों को डराना और उन्हें नुकसान पहुंचाना। डाकिनी एक डरावनी औरत दानव मानी जाती है, जो अक्सर श्मशान घाट के आसपास घूमती है और नए जन्मे बच्चों का खून पीती है। इन्हें अक्सर लंबे बालों वाली, नुकीले दांतों वाली डरावनी औरत के रूप में दिखाया जाता है। कई कहानियों में राक्षस राजा रक्तबीज की साथी भी डाकिनी को माना जाता है। वेताल एक ताकतवर भूत है, जो अक्सर पेड़ों पर उल्टा लटका हुआ मिलता है। कई कहानियों में राजा विक्रमादित्य को वेताल को पकड़ने और उससे ज्ञान लेने के लिए कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। वेताल को चालाक और रहस्यमय माना जाता है, जो सवाल पूछकर लोगों को फंसा लेता है। तो दोस्तों, ये थीं भारत के भूतों के मिथ और लेजेंड्स की कुछ कहानियां। ये कहानियां न सिर्फ एंटरटेनिंग हैं, बल्कि हमारे समाज के बिलीफ्स और डर को भी दिखाती हैं। भूत सच में होते हैं या नहीं, ये तो एक बहस का विषय है, लेकिन इतना तो पक्का है कि ये कहानियां सदियों से लोगों को डरा और एक्साइट करती आई है। आपको इन कहानियों के बारे में क्या लगता है? क्या आपके इलाके में भी कोई भूतों की कहानी मशहूर है? कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगले मजेदार वीडियो में मिलते हैं।